संतोष मुझे ये बताइए, कल से पहला जत्था रवाना होगा, हम देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर कैसे सेना हर तरफ मुस्तैद है और इसको लेकर एक खास प्लान भी बनाया गया है। क्या माने कि आतंकियों की जो भी मंसूबे हैं इसको नेस्तनाबूद करने के लिए सेना हर पल तैयार है, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी श्रीनगर की अगर हालात आप बात करें तो श्रीनगर में शांति है। श्रीनगर में जब से राज्यपाल शासन लागू हुआ है तब से स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सड़कों पे आपको गाड़ियाँ ठीक ठाक दिखाई देंगी, दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों के मन में जो भय था वो भय थोड़ा सा खत्म हो रहा है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों पर जिस तरीके से पहले की सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि वो सॉफ्ट थी सरकार, जिसकी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ हो गई थी और उसका नुकसान आम आदमी के साथ साथ यहाँ आने वाले टूरिस्टों को भी उठाना पड़ रहा था, तो अब जैसे कि हमने देखा कल भी यहाँ टूरिस्ट श्रीनगर में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आज भी हालात सामान्य की तरफ है, पत्थरबाजी की घटना नहीं देखने को मिल रही है, तो ये सब राज्यपाल शासन के पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और जो खतरे की बात कही जा रही थी अमरनाथ यात्रा को लेकर, उस खतरे से निपटने के लिए लगभग पूरी तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस पे तत्पर है, लेकिन कुल मिलाकर आज की हालात के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर शांति है। वहीं दूसरी तरफ कल अगर आपने देखा होगा तो केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें NIA और ED अब उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी जो आतंकवादियों को अलगाव वादी नेता सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां पर घाटी में की जाएगी। इससे पहले भी दिल्ली में एक मामले में NIA ने ऑलरेडी 10 जो अलगाववादी नेता हैं उनको चार्जशीट किया हुआ है, तो अब इस तरह की गतिविधियों को जो कि टेरर फंडिंग में शामिल हो पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और संतोष, जैसा आप बता भी पा रहे हैं कि वहां पर तमाम चीजें जो सामान्य देखने को मिल रही हैं, ये कहें कि दरअसल लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा जो लोग करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह की खबरें आती हैं तो मन में कई सवाल भी खड़े होते हैं। ये कहें कि उन तमाम आशंकाओं को भी दूर करने की एक कोशिश हो रही है और यही वजह है कि हम वहां पर जो भी चीजें देख रहे हैं सतर्कता के तौर पर सामने आ रही है कि लोग भी कॉन्फिडेंस में आए कि नहीं यात्रा में के दौरान वो पूरी तरह से महफूज होंगे। जी हाँ, जिस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, उससे ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा कि जो आतंकियों के मंसूबे हैं वो कामयाब हो पाएं, और सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए लोगों के दिलों में ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अब ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी। आप अगर श्रीनगर को सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर से ही मत जोड़कर देखें, यहाँ का मेन जो अगर आप आय का स्रोत देखें तो वो टूरिज्म है, और टूरिज्म जब बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और कल से हमने देखा है कि जिस तरीके से श्रीनगर में कई होटल अभी सोल्ड आउट दिखाई जा रहे हैं, जो इंटरनेट पर अगर आप चेक करेंगी तो इसका ये साफ दिखाता है कि लोगों के दिलों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है जब से राज्यपाल शासन लागू हुआ है, यहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। जब टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो आम कश्मीरियों के लिए भी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक पॉजिटिव साइड है, और जो मन में भय था उस भय को दूर करने में ये राज्यपाल शासन काफी मददगार साबित होगा। बिल्कुल संतोष, आप लगातार नजर बना के रखिए, आप चूंकि श्रीनगर में मौजूद हैं आपके जरिए हम तमाम तस्वीरें और वहां के जो हालात हैं लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हिंदुस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर में, कल पहला जत्था बेस कैंप से रवाना होगा, उसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए, पल पल हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे।